हेलो एवरीवन, माय हेल्दी इंडियन फूड रेसिपी पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का गर्म गर्म हलवा, जो कि सर्दियों में बहुत ही टेस्टी है खाने में, और सर्दियों में गर्म गर्म खाने पर पेट इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर का गर्म गर्म हलवा। गाजर का गर्म गर्म हलवा बनाने के लिए हम 1 किलो गाजर लेंगे। गाजर को धुल के इस तरह से छील लिया है इन्हें हमने। अब हम इन्हें अच्छे से किस लेंगे, इस तरह से हमने इन्हें किस लिया है, देखिए इस तरह से किस के तैयार कर लेंगे। अब हमें कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में जो किसी हुई गाजर है उनको हम डाल देंगे। अब हमने किसी हुई सारी गाजरों को कढ़ाई में डाल दिया है इस तरीके से। अब हम इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे और 1 कटोरी मलाई डालेंगे। दूध और मलाई डालने से ये बहुत ही अच्छा बनता है, और इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मलाई में ही हमारा घी निकल आता है। इसलिए इसमें 1 कटोरी मलाई और 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जी। इस तरीके से इसे बीच बीच में चलाते रहिए। गाजर का हलवा बनाने के लिए थोड़े इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जितना टाइम लगता है उतना ही ये टेस्टी बनता है। इसे बीच बीच में चलाते रहिए जिससे ये नीचे चिपके ना। अब हम इसी स्टेज पे इसमें 1 कटोरी चीनी डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने इस कटोरी को भर के डाला है, चीनी को अच्छे से, चीनी हमें पहले से डालना है जिससे उसमें अच्छे से, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है, तो इसलिए उसे थोड़ा पहले ही डालनी, क्योंकि जो हमारा बहुत ज़्यादा दूध सूख चुका है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका जो फ्लेवर है वो गाजर के हलवे के टेस्ट को और बढ़ा देता है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने पहले 1 कटोरी मलाई डाल दी थी, इसलिए हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही घी डाल रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा इस तरीके से बन चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, बादाम और ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। मैंने इसमें सिर्फ और नारियल को पीस के डाला है, आपको जो भी अच्छा लगे आप डालें। और इन्हें अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अब हमने अच्छे से कर लिया है ड्राई। अब ये हमारा इस तरह से बिल्कुल बनके तैयार है। तो ये तैयार है हमारा गर्मा गर्म गाजर का।